नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी के दिनों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस योजना में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के चौतरफा उपाय किए गए हैं जो स्वागत योग्य है। विंटर एक्शन प्लान में धूल फैलने और कूड़ा जलाने से रोकने की निगरानी पर खासा जोर दिया गया है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया है। वहीं पराली प्रबंधन के लिए संयुक्त हार्वेस्ट और बायो डीकम्पोजर के इस्तेमाल की बात कही गई है। वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्रों की नई सिरे से पहचान कर विशेष टीमों के जरिए यहां निगरानी करने की योजना है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यातायात जाम वाली सड़कों की पहचान करने के साथ ही तय समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने व वाहनों की प्रदूषण जाँच व्यवस्था को भी तेजी से करने की योजना है। एक योजना के तौर पर निश्चित ये प्रभावी नजर आती है। ऐसी उम्मीद भी की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार इस योजना पर पूरी तरह अमल करेगी और ये जमीनी स्तर पर प्रभावी होगी। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्लीवासियों को अभी आगे आना होगा, तभी ये योजना समय सीमा पर पूरी हो पाएगी और सफल हो पाएगी। वहीं दिल्ली वासियों को भी प्रदूषण की चिंता करते हुए निर्माण स्थलों इत्यादि पर धूल फैलने से रोकने के लिए पुख्ता उपाय करने होंगे। यही नहीं, कूड़ा जलाने से भी खुद को रोकना होगा और सामने वाले को रोकना होगा। जहां तक संभव हो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने और निजी वाहनों का प्रयोग कम करने और ईंधन जलने से होने वाले प्रदूषण से रोकने के लिए लोगों को उत्साहित करना होगा। आपको बताएं, दिल्ली सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके एक्शन प्लान पर धरातल पर पूरी ईमानदारी से काम हो। इसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। आपको बता है, दिल्ली को वायु प्रदूषण से बचाने का सभी दायित्व और ऐसा करके राजधानी को एक बेहतर शहर बनाने की सारी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।